संतोष पांडे जी का भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। सम्माननीय सुल्तान अली जी, सम्माननीय बहादुर अली जी, सम्माननीय रामजी भारती जी, सम्माननीय सुरेश दुलानी जी, सम्माननीय सुरेश लाल जी, सम्माननीय इंदुमती साहू जी सहित इस मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, आसपास से आए हुए सभी अधिकारी कर्मचारीगण, कलेक्टर सर, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो आज की हमारी शुभ अवसर की क्षण बनने जा रही है वो केवल एक उदाहरण स्वरूप है, क्योंकि अगर हम शुरू से कहना चाहूंगी, अगर शून्य से हम जानना चाहेंगे तो आईबी ग्रुप जब शून्य से उठा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस राजनांदगांव जिले के छोटे छोटे वर्कर, छोटे छोटे कर्मचारी जब सब एक साथ मिलकर के सहयोग करके एक ग्रुप में जब काम करने लगे, आज आईबी ग्रुप को ये पूरा देश जानता है। और मैं आने वाले समय में शुभकामनाएं देती हूँ कि इन्हीं तरह शासन और प्रशासन और हमारा जिला और प्रदेश मिलकर के इस आईबी ग्रुप को आगे लेकर के जाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे दो शब्द बोलने के लिए इस मंच पर मौका दिया गया। जिस तरह से आपने हमारे सभी बेरोजगार भाइयों एवं बहनों को आपने प्रोत्साहित कर, उत्साह दे करके आपने रोजगार जो दिया वो वाकई में प्रणाम के पात्र है। जिस तरह से आपने पूरे प्रदेश में इस जिले को लेकर के आपने नाम रोशन किया, एक अलग ही स्थान प्राप्त किया, आपने इस स्थान को ऊंचा और सर्वोच्च पद में ले जाकर के आपने एक ऐसे मानव के रूप में स्थापित किया जिन्होंने लाखों लोगों को आज आप रोजगार देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं सुन रही थी, पूर्व वक्ता ने बताया कि ये तो मत्स्य पालन का विषय है, लेकिन जिस तरह से आप गरीब और अस्वस्थ व्यक्तियों का जिस तरह से आप सेवा करते हैं, मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आप निरंतर इसी प्रकार इस जिले का हमेशा उद्धार करते रहे और छोटी छोटी जो समस्या रहे वो आप सब मिलकर के सॉल्व करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पुनः अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम इंदु साहू जी, और सामने मंच में भी बहुत सारे अतिथि हमारे पास उपस्थित हैं। डायरेक्टर फिशरीज हम श्री नाग साहब का स्वागत करते हैं। हमारे लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष डोंगरगांव, वो भी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। भाई अनिल शर्मा जी, भाई दुष्यंत दास जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। शीतल जैन जी भी हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज दूंगा उस शख्सियत को जिसे सुनने के लिए हम लोग आतुर हैं, हमेशा आतुर रहते हैं हम राजनांदगांव के लोग। और उनकी सोच को, उनकी दूरदर्शिता के बारे में कहना चाहूंगा कि हमेशा वो कहते हैं कि ये बात अलग है, ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, ये बात अलग है कि तुम ना बदलो लेकिन जमाना बदल रहा है, ये बात अलग है कि तुम ना बदलो लेकिन जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं और चिराग आंधियों में जल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहा है और चिराग आंधियों में जल रहा है। यही जुनून, यही एक भाव मेरा है, जहां वहां चिराग जला दूं, जहां बहुत अंधेरा है वहां बहुत अंधेरा है। मैं इसका सम्मान आईबी ग्रुप के प्रबंध निदेशक और संस्थापक श्री बहादुर अली जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आए और अपनी वाणी से हमें संबोधित करें। आदरणीय एमडी सर श्री बहादुर अली सर। हेलो, आज के मुख्य अतिथि
माला जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, मंच पर उपस्थित समस्त माननीय अतिथिगण, हमारे सांसद संतोष पांडे जी, रामजी भारती भाई, सुरेश दुलानी भाई, सुरेश लाल जी, सुश्री गीता साहू, सुश्री इंदुमती साहू, अनिल धुमान दुलानी जी, ओपी सिंह, अनिल धुमान और मंच पर बैठे हुए समस्त अतिथिगण और यहाँ उपस्थित मेरे गांव गांव जो पूरे भारत से हमारे फिश फार्मर आए हैं, वो सब फिश फार्मर और साथ में यहाँ पत्रकार बंधु और यहाँ उपस्थित जो हमारे अतिथिगण नागपुर रायपुर भराई से आए, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रायबी ग्रुप के और गांव गांव के जो किसान यहाँ आए, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या जिन्होंने इस मौके में आकर हमको बधाई देने के लिए इतने दूर से आकर हमें बधाई दी और खास करके मैं हमारे फिश फार्मरों का जो बेचारे जैसे ही पता चला कि रूपाला जी आ रहे हैं, फिश केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो बोले हम जाएंगे जरूर उनसे आशीर्वाद लेंगे। और जहां आईबी ग्रुप की महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत शुरू होने वाले एबस फिश फीड सुखरी प्लांट का उद्घाटन हो रहा है, केंद्रीय पशुपालन मंत्री रूपाला लगभग 300 किसानों से आज सीधे संवाद भी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की ये तस्वीरें हैं जब आईबी ग्रुप की महत्वाकांक्षी परियोजना एबस फिश फीड सुखरी प्लांट का उद्घाटन हो रहा है। सुखरी में ये प्लांट आयोजित है जहां इस प्लांट का उद्घाटन होना है और समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी हैं और इस समारोह के माध्यम से केंद्रीय पशुपालन मंत्री रूपाला लगभग 300 किसानों से सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। फार्मिंग में आने वाली चुनौतियों का समाधान किस तरह से होना है उसके लिए मार्गदर्शन भी देते हुए नजर आएंगे। तो कई गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो देश के इंटीग्रेटेड प्रोटीन लीडर आईबी ग्रुप 40 वर्षों से भारत में प्रोटीन का पोषण पहुंचा रहा है। विश्व स्तरीय तकनीक से सामंजस्य एक तरह से बैठाते हुए आईबी ग्रुप ने अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित प्लांट्स और रिसर्च लैब भी विकसित किए हैं और यही वजह है इससे हाई क्वालिटी लाइफ स्टॉक फीड्स का उत्पादन हो रहा है और समृद्धि की तरफ आगे बढ़ते हुए कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय पशुधन उद्योग आत्मनिर्भर भी बन रहा है। तो 7 प्लांट है देश भर में आईबी ग्रुप के, यानी भारत के हर एक व्यक्ति तक प्रोटीन पोषण पहुंचाने की जिम्मेदारी है और अपनी यात्रा में आईबी देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 7 फीड प्लांट की अब तक स्थापना भी कर चुका है। तो आईबी अपनी विस्तार योजना के तहत देश भर में और भी प्लांट स्थापित करने वाला है, यानी आने वाले फ्यूचर में से देखें तो आगे और भी प्लांट स्थापित होंगे और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आईबी ग्रुप देश का पहला हाइब्रिड और पूर्णतः स्वचालित ऑयल कोटेड फिश फीड प्लांट का आज शुभारंभ करने जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें वहां से सामने आई हैं जब गांव में ही रहकर गांव का विकास और उसकी सोच के साथ आईबी ग्रुप फाउंडर राजनांदगांव के गांव सुखरी में हाइब्रिड माइक्रो पैलेट फिश फीड प्लांट की स्थापना आज कर रहा है जिसकी उत्पादन क्षमता आपको बता देते हैं 600 मीट्रिक टन है और ये प्लांट देश में हाई क्वालिटी मत्स्य आहार की मांग को पूरा करेगा। विकसित भारत में आईबी ग्रुप का क्या रोल रहेगा, इसको पूरा ध्यान रखता है और पांचवी इकोनॉमी बनने के लिए भी क्या काम करना चाहिए आईबी ग्रुप, उसको भी पूरा सोच के पूरी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है और कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा है। गांव गांव में कनेक्ट करने के लिए मोदी जी की लोकल फॉर वोकल को भी हम पूरा ध्यान में रख रहे हैं। आज पोल्ट्री ग्रुप को पूरा संचालित करने के लिए पूरे इंडिया में आईबी ग्रुप के 10 फीड प्लांट है जो इंडिया के सबसे बड़े कैपेसिटी के प्लांट है। उसी तरीके से 27 हेचरी हमारे पास है और 20 ब्रीडर फार्म हमारे पास में है। इस तरीके से हम पूरे इंडिया के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर होने के बाद भी हम लोगों के किसानों से, मक्के वाले किसानों से भी जुड़ते हैं, हम सोयाबीन के किसानों से भी जुड़ते हैं, हम गांव के किसानों से जुड़ते हैं, फिश फार्मर से जुड़ते हैं। इस तरीके से हमने एक ऐसा सेटअप बनाया है कि
कि हमारी पूरी व्यवसाय ही गांव के ऊपर डिपेंड है कि हर गांव गांव में प्रोटीन अवेलेबल होना चाहिए, हर गांव में जिसको जब जितना प्रोटीन चाहिए। हमारा देश हेल्दी कैसे बनेगा जब तक प्रोटीन इंटेक नहीं होगा। आज हमारे देश में 60% प्रोटीन है, 40% डिफिशियंट हम जी रहे हैं। तो लगातार सरकार भी कोशिश कर रही है, सरकार के सहयोग से हम लोग भी अपने कोशिश करके उस मुकाम को पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतना फिट प्लांट जब बन जाता है, पोल्ट्री इतनी बड़ी हो जाती है, फिश फिट प्लांट इतनी अच्छी बड़ी बन जाती है, तब हमको सोया फिट प्लांट की जरूरत पड़ती है। तो आईबी ग्रुप ने आज से 1500 टन का फिट प्लांट ऑलरेडी राजनांदगांव में मौजूद है। ये हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सक रहा है, तो हमने 2500 टन का एमपी इंदौर में एक नया प्लांट लगाने की योजना बना के हमारा कार्य प्रगति में है और हम सोचते हैं कि मार्च तक वो भी प्रारंभ हो जाएगा। राजनांदगांव आईबी ग्रुप आज गांव में रह के गांव का विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है। कई बार हमारे साथ ये मौका आता है कि तुम राजनांदगांव में क्यों हो, राजनांदगांव से बाहर जाओ ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं बोलता नहीं, गांव में रह के गांव का विकास मेरी जन्म स्थली है। मैं यहां रह के राजनांदगांव को एक ऊंचाई पर पहुंचाना देखना चाहता हूं और आज हम उसमें अपने आप सब लोगों के सहयोग से आगे बढ़ते जा रहे हैं। गांव में लेकर गांव में लोगों को काम देना, जब मैंने यहां पोल्ट्री फार्म चालू किया था, जब ऐसा चालू किया था, तो यहां की 25% पॉपुलेशन अदर स्टेट में काम करने जाती थी। तो मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि आज वो 25% पूरी यहीं पे रह के काम कर रही है और अदर स्टेट से भी लोग आके यहां काम कर रहे हैं। तो राजनांदगांव के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमने प्लान भी रोका है और दूसरे प्रदेश से लोगों को बुला के हमने यहां पे अपना व्यवसाय को और आगे बढ़ाया है। इसी उद्घाटन की कड़ी में आज एक चीज और बताना चाहूंगा कि आईबी ग्रुप पिछले 15 साल से लगातार प्लांट का उद्घाटन करते जा रहा है। 2005 में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने हमारे 500 टन मीट्रिक टन का सॉलिड प्लांट गिंदाबारा में उद्घाटन किया था। उसके बाद 2012 में हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस 50,000 फीट की बनी थी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस, उसका उद्घाटन डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। उसी तरीके से 1200 टन का 2014 में हमारा फिट प्लांट बना था, सॉलिड प्लांट बना था, उसका भी उद्घाटन डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। ये भी हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए हमारे लिए बहुत गौरव की बात थी। ये तीनों स्थापना हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के सोच का परिणाम था कि छत्तीसगढ़ को मुझे आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के लिए जो भी होगा हम करते थे। और मैं यहां डॉक्टर रमन सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और याद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमेशा राजनांदगांव के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए पॉजिटिव थॉट रखे हैं और बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की है, काम किया। आज उसी का नतीजा है कि हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। एक रुपया कमाना तकलीफ का काम होता है, 1,00,000 रुपये कमाना बड़ी बात नहीं है। तो जो मुझे 1 रुपये कमाने में जो उनका आशीर्वाद था, वो आज हमें इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। मैं उसके लिए भी हमेशा डॉक्टर रमन सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। उसी तरीके से 2021 में हमारे गिरिराज सिंह जी सेंटर मिनिस्टर थे, उन्होंने 1200 टन का मुजफ्फरपुर में हमारा फिट प्लांट का उद्घाटन किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2021 में हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने बदनावर में जो 2500 टन का प्लांट है उसका भूमि पूजन किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2023 में हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में 600 मेट्रिक टन का और 2.5 लाख चिक्स पर डे निकलने के प्लांट का उद्घाटन किया था। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री रूपाला जी हैं जो आज हमारे सुखी प्लांट का उद्घाटन किए हैं। मैं आप सबको तहे से धन्यवाद देता हूं कि उनके इस सहयोग से हम ये काम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसी तरीके से सीएसआर ने भी आईबी ग्रुप 1,50,000 स्क्वायर फीट की आधुनिक स्कूल बना के लगभग 7,000 बच्चों को पढ़ाई करा के आगे बढ़ा रहा है। 7,000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया है आज तक में और अपूर्ण पोषण से पीड़ित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त ही पोषक आहार एवं मुफ्त स्वस्थ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी पैसा कमा के समाज के नीचे तबके को भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये उसी का परिणाम है कि हमने ये सब कार्य किया है। इसी तरीके से जो आज हमारे मंत्री जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं इनकी खूबी बताना चाहूंगा। 2020 से इन्होंने जब कोविड आया था, हमारी पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री सब बिल्कुल समुद्र के नीचे जा चुकी थी। तब इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, मोदी जी ने के थ्रू ये हुआ। और ये मैं बताता हूं कि 2020 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आया, ये पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी सबको जिंदगी दे दी है।
पूरी जिंदगी देख के लोगों को काम करने का काम किया है। इस मैंने जितना पिछले 2020 के पहले 5 साल में काम किया था उससे 4 गुना बढ़ा। मैंने 2020 से 2023 के बीच में 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अपने उद्योग लगाया था। तो ये हमारी इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सक्सेस स्टोरी है आईबी ग्रुप के साथ कि उन्होंने कि नहीं आपको गांव गांव के अंदर किसानों के लिए काम कर रहे हो, किसानों को व्यवसाय दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो, तो तुमको क्या तकलीफ है, तुम्हारी इंडस्ट्री को क्या तकलीफ है, चाहे डेयरी हो, चाहे पोल्ट्री हो, सीम हो, सबके लिए इनकी एक जैसी सोच। और उनका ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आज पूरे देश के जितने भी इस समूह के लोग हैं चर्चित है, इनसे लाभान्वित है और सब उत्साही होकर काम कर रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और अभी मैं परसों दिल्ली में था, इन्होंने आगे के लिए 3 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 30,000 करोड़ रुपया घोषित किया है। इसकी जब मैं मीटिंग में गया था तो मुझे देख के बड़ा खुशी हुई कि मंत्री जी ने पुनः उसको इनके पास डिमांड आई तो उन्होंने किया और उससे भी हम प्रभावित हुआ कि आने वाले 3 साल में 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का हमने एक अपना टारगेट किया। हम मंत्री जी हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे और आपके जो आप लोगों ने जो हमारे गांव के किसानों के लिए फिश फार्मरों की जो सोच है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप को जो आप सपोर्ट देते हो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इस तरीके से ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात। इसके बाद हम मंत्री जी के साथ चाय पीने बैठे थे, उनकी सेक्रेटरी बैठे थे, उनके सब टीम बैठे थे, तो मैं मंत्री जी की जो उस टाइम की सोच और जो देख रहा था, हम लोग अपनी चर्चाएं कर रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या समस्या आ रही है और आ सकती है, तो वो अपने वहां पे बैठे सब अधिकारियों से पूछ रहे थे कि बोले हमारे इंडिया में कितनी लैंड खाली पड़ी है उसके हिसाब निकालो, फॉरेस्ट की लैंड, रेलवे ट्रैक की लाइन पर लैंड जितनी लैंड पड़ी है सबको निकालो और हमारे गांव के जितने आदमी हैं किसान गांव में बैठे हुए हैं उनको आप जमीन दीजिए, उनको कितना पैसा देना दीजिए, स्कीम बनाइए, मैं लाऊं, मैं पास कर रहा हूं। मतलब इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर किया वहां पे कि मैं बैठा हूं, आप मैं करवा के दूंगा, आप मेरे गांव के किसानों को गांव में रहकर गांव का विकास करने दीजिए, आपके पास जमीन पड़ी जमीन से उनको दीजिए ना, मैं पैसा दे रहा हूं, कोई मक्के का बीज दीजिए, सोयाबीन का बीज दीजिए, जो बीज देना दीजिए, मेरी जमीन खराब नहीं होना चाहिए। इस सोच के धनी व्यक्ति तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में है और उनके साथ में है। मैं मोदी जी को भी धन्यवाद दूंगा और ऐसे सोच के रूपाला जी को भी धन्यवाद देता हूं जो गांव के एक छोटे से किसान के बारे में भी सोचते हैं कि उसको कैसे मैं मदद कर सकता हूं और आदेश मेरे सामने दिए, मैं सोचता हूं जरूर इसका रिजल्ट 1-2 साल में आपको देखने मिलेगा। मैं इसके साथ धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आप लोग यहां पर आए और रूपाला जी को भी धन्यवाद। थैंक यू रेस्पेक्टेड बहादुर अली सर, आईबी ग्रुप की परियोजनाओं को और आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए। आज हमारे बीच इस सभागृह में श्री सुशील कोठारी जी, श्री सचिन अग्रहरी जी जो राजनांदगांव प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं उपस्थित हैं, आईपी ग्रुप उनका हार्दिक स्वागत करती है। हमारे बीच सुनील बलेडिया जी, विनोद डड्डा जी भी उपस्थित हैं, उनका भी आईपी ग्रुप स्वागत करती है। और श्री रमजान बरहुदजा जी, गुड्डू ललानी भी हमारे प्यारे बैठे हुए हैं, उनका भी आईबी ग्रुप स्वागत करती है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि किसी भी इंडस्ट्रीज की कल्पना जब हम करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनका एक योगदान रहता है और उनकी सोच के कारण, उनकी मेहनत के कारण ही ये ऐसे हम स्थापित कर पाते हैं। मैं ऐसे कुछ कर्म योद्धा लोगों के को जो सम्मानित किए जाने के लिए मैं हमारे ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जुनेद काजी जी को आमंत्रित करूंगा कि आए और इस प्रशंसा पत्र और पुरस्कार वितरण समारोह को आगे संपन्न करें। तो ग्राम सुखरी में इस प्लान का उद्घाटन किया जा रहा है। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप कैसे हो सकता है, इनकी जीती जागती मशाल इस अली परिवार ने हमारे सामने रखी है, दोनों भाई सुल्तान अली और बहादुर अली जी, गुलरेज आलम जी, जिशान भाई बहिन, तनश और जोया, सुरेश लाल जी, डॉक्टर रविंद्र,
जायसवाल जी, हमारे महामंत्री रामजी भारती जी, जिला पंचायत की हमारी अध्यक्षा बेन गीता साहू, इंदुमती साहू, और नाम इतने हैं मंच पर और मेरे से गलती होने की संभावना है, सो मैं उस गलती में जाने के बजाय ये दिलीप जैन जी यहां से उद्घोष कर रहे हैं, वो सभी का नाम लेकर बुला रहे हैं, सभी का सम्मान कर रहे हैं, सामने भी बैठे हैं गणमान्य लोग, उनका नाम का जिक्र भी उन्होंने किया है। जितना नाम दिलीप जैन जी ने लिया है उतना मैंने भी लिया है ऐसा माना जाए। ठीक बात रही। और आप सभी यहां आईबी ग्रुप के साथ जुड़े हुए फार्मर्स, ट्रेडर्स, अपने काम करने वाले, ये सारी कंपनी को चलाने वाले, हाथ पैर रखने वाले भी, और इनके दोस्त संबंधी, और आज यहां से कुछ लोगों को अवार्ड दिए गए, सम्मानित किए गए, अच्छा काम करने का कम से कम नोट लिया गया, वरना ये हो जाता है कि अच्छा काम कर दिया तो सब अपनी ही पीठ थपथपाते हैं, दूसरों की पीठ नहीं थपथपाते हैं। मैं आईबी ग्रुप को धन्यवाद करता हूं कि आपके साथ जुड़कर भी जिन्होंने अच्छा काम किया, सार्वजनिक मंच से उनका सम्मान करने का आपने प्रयास किया, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपके इस नए साहस को भारत सरकार के फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मंत्री के नाते शुभकामनाएं देता हूं, और आपकी कंपनी और भी आपके मन में जो भी टारगेट हो उन सभी को हासिल करते हुए विकसित भारत में अपना भी योगदान देती रहे ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अभी लंबा भाषण देने का ये मंच नहीं है और हमारी सीजन भी आ रही है, तो उसी दौर में कहीं मिलेंगे तो खुल के आपके साथ बातें करेंगे। ये संतोष जी जब हमको बुलाएंगे कि भैया आ जाओ, अभी आपको भाषण देना है, तो हम जरूर आएंगे। और अभी मैं छत्तीसगढ़ के इस नए दौर में हमारी नई सरकार विष्णु साई साहब की आने के बाद पहली बार आ रहा हूं, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता का आभार भी व्यक्त करता हूं, उसका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई फैसले लिए, कुछ फैसले तो ऐसे हैं जिनकी दुनिया में चर्चा है, आज दुनिया मोदी जी को सुनने के लिए आतुर रहती है, मगर उसी सारी चीजों को कहने के लिए इतना वक्त चाहिए, मगर मुझे इस कार्यक्रम के अनुरूप यहां एक हम मछलियों के खाने के प्रोडक्ट आज लॉन्च कर रहे हैं और आईबी ग्रुप का एक इवेंट है, उसी में मैं बोलने खड़ा हूं, सो मैं सीमित करता हूं मोदी जी के उन क्रियाकलापों को हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। तभी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्र पे अपना सिक्का लगा दिया और वहां हमारा ध्वज फरका कर विश्व में हमारा मान बढ़ाया, ऐसे निर्णय लिए हैं, मगर मुझे लगता है कि भारत के ग्रामीण अर्थतंत्र, यहां से जिक्र हुआ शायद बहादुर अली ने या जोया जी ने दो में से एक बोले थे कि हम पांचवें पायदान पे आ गए, और मोदी जी तो बोल ही गए हैं कि मेरी तीसरी टर्म और भारत का अर्थतंत्र विश्व का तीसरा अर्थतंत्र बनेगा। अब ये लोग, दुनिया के लोग मानते हैं, मोदी बोलते हैं तो करते हैं, ये भी अब सेटल हो गया, और हमारे से ज्यादा दुनिया वाले मानते हैं और देशवासी भी मानते हैं, कुछ हाथ आठ लोग हैं वो नहीं मानते हैं, वो ज्यादा नहीं है,
वो नहीं मानते हैं तो उसी को छोड़ देते हैं, वो अपने दिवा स्वप्नों में रहे वही ठीक है। मगर ये जब तीसरे अर्थतंत्र की बात आती है और देश को 11 से 5वें प्रधान पे लाए गए, तो उसी में मैं मानता हूं कि मोदी जी ने ग्रामीण अर्थतंत्र पे जो फोकस किया है वो बिल्कुल उनका सही दिशा में उठाया हुआ कदम है। और इसी को बल देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने फिशरीज मंत्रालय बनाया। सबसे पहले तो वहां मंत्रालय ही नहीं था। अभी इस देश का आप सोचिए, आजादी के बाद जिस देश का 8000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन हो, जिस देश में 3 करोड़ मछुआरे हो, ट्रेडिशनल फिशरमैन हो, जिसका ईईजेड जिसको बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल स्टेट का होता है समुद्र किनारे पे, उसके बाद 200 किलोमीटर की हद वो भारत सरकार के अंडर में आती है, वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, इतना बड़ा ईईजेड और इतना लंबा कोस्ट लाइन होने के बावजूद इस देश में फिशरीज मंत्रालय ही नहीं था, ये मोदी जी ने मंत्रालय बनाया। आप सुन के हैरान होंगे, अभी ये आईबी ग्रुप 11000 करोड़ का इनका कारोबार हो गया। मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूं कि इसमें अभी दो मिंडे लगने लगे, ऐसी गति से आप आगे बढ़ो तो बढ़ेंगे। जिसकी नीयत साफ होती है उसको बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, वो बढ़ सकते हैं। ऐसा माहौल मोदी जी ने बना के रखा है कि जिसको काम करना है उसको दिक्कत नहीं है, जिसको साफ दानत से कारोबार करना है उसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है जिनको कुछ न कुछ गलत करना है, उनके लिए दिक्कत भी है। ये दोनों बात साथ साथ चल रही है। अभी मंत्रालय बना, आप जनता को ऐसा लगता है कि मंत्रालय तो कई बार कई लोगों ने बना दिए, मगर इसका मैं लंबा वो नहीं बताऊंगा, एक फिगर आपके सामने रखता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाएगा मंत्रालय होने से क्या होता है। ये फिशरीज मंत्रालय नहीं था, आजादी से लेकर 47 से लेकर 15 अगस्त 2014 तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक का भारत सरकार का फिशरीज सेक्टर का कुल खर्च, टोटल व्यय भारत सरकार की ओर से हुआ 3,682 करोड़ 3,682 क्रोर्स ओनली, 3,680 करोड़ रुपए का कुल खर्च आजादी के बाद से प्रधानमंत्री तक, मोदी जी तक। प्रधानमंत्री जी ने यह मंत्रालय बनाया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा करके एक योजना लगाई, एक योजना का वॉल्यूम है 20,000 करोड़। आप कल्पना कीजिए, एक इतने साल चले गए 65 साल के अंदर 3,000 करोड़ फिशरीज सेक्टर के लिए, उसमें भी हमारा डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर भी शामिल है, वो भी इतना नहीं है कि वो सेक्टर के लिए गया है। वो खर्च के बारे में तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, मगर इतने 3,680 करोड़ और एक योजना 20,000 करोड़, ब्लू रिवॉल्यूशन करके एक योजना डाला 5,000 करोड़, और जो बता रहे थे बहादुर अली जी के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसमें हम 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं, वो 8,850 करोड़ का था। अभी ये सबको मिला ले तो 38,000 करोड़ रुपए लग गए मोदी जी के शासन का, 3,000 करोड़ और 38,000 करोड़ ये 10 साल के अंदर इस फिशरीज सेक्टर में लग गए। और इसी का नतीजा हुआ कि हम एक्वा कल्चर के अंदर दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गए और फिश सेक्टर के अंदर हमारा एक्सपोर्ट फिश टोटल फिश फीड का जो चल रहा है वो 60,000 करोड़ को पहुंच गया। इतनी बड़ी कारोबार की क्षमता जिस बिजनेस में थी उसी के ऊपर फोकस करने से
ये सब कुछ हो गया। बहादुर अली जी ने सही बताया कि जो FIDF था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए हम इंटरेस्ट सबवेंशन देकर सहायता चला रहे थे, ये 2023 में खत्म हो गया था। और इसी को इंडस्ट्रीज की ओर से और स्टेक होल्डरों की ओर से इसकी डिमांड आ रही थी और प्रधानमंत्री जी ने इनको अप्रूव कर दिया और अब इनको 26 तक एक्सटेंड कर दिया है। एनिमल हस्बेंड्री में भी एक्सटेंड कर दिया है और फिशरीज में भी एक्सटेंड कर दिया है। तो इसके चलते अब सरकार की पॉलिसियां जो थी वो भी स्टेबल हो गई और इसका बेनिफिट एंटरप्रेन्योर्स ले सकते हैं। ये इनका बहुत ही एक अच्छा उपक्रम रहा। साथियों, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मैं बहादुर अली को पोल्ट्री का आदमी मानता था, अब वो पोल्ट्री में से फिशरीज में कब आ गए मेरे संज्ञान में भी नहीं रहा और अभी ये फिशरीज का भी लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये बहुत ही अच्छी एक इनकी काम करने की जो और ग्रुप को नेतृत्व देने की क्षमता है इनके लिए इनको बधाई देता हूं। और ये फीड का जो प्लान किया आप सबको वो कम बोले इस पर, मगर इस व्यवसाय में अब आपको तो अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन करनी है और इंटरनेशनल कंपटीशन में जब आपको कोई बिजनेस को ले जाना होता है